तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। और आप लोगों को पता नहीं होगा कि आजकल मैं कहाँ आ रखा हूँ, तो मैं बता दूँ कि आजकल मैं आ रखा हूँ चंबा में। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, ये देख सकते हो आप। और अभी जो है सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, और यहाँ से हमारी प्लानिंग आज ये है कि हम जाएंगे हरिद्वार। शायद हरिद्वार से हम मनसा देवी भी जा सकते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी मैं हो गया, सतीश हो गया, और भैया भाभी लोग हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं, तो उन लोगों के साथ जाने वाले हैं हम यहाँ से। तो धूप भी आनी शुरू हो गई है और सतीश भाई भी आ चुका है यहाँ पे। बाकी मौसम कुछ ऐसा सा हो रखा है, पूरी धूप लग गई है और अपनी जो गाड़ी लगी हुई है ना वो लगी हुई है यहाँ पे। बाकी भैया भाभी लोग तो अभी आए नहीं है, तो यहाँ पे आए हैं अभी चाय पीने के लिए, तो सुबह सुबह चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से चाय पीने के लिए ना। हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारे भाई जी हैं, बड़े हंसमुख हैं ये। स्टेटस नहीं देखा मेरा स्टेटस नहीं देखा। बर्थडे है क्या? बर्थडे है अभी बर्थडे भैया। और ये लाइफ में पहली बार हमारे पायलट साहब कुछ वॉमिटिंग करते हुए। जैसे बोरी डालते हैं ना, ऐसे रखा टम्पू के अंदर, ने पकड़ा विकास ने। लल्ली तो खुद ही कांपता है, तुमने देखा होगा लल्ली, देखा है? तो रात को हुआ था एक्सीडेंट हमारा भी, राखी पुखरी चौराहे पे हुआ था एक बार, मेरे साथ केमिकल पी लिया था गलती से। अच्छा, वो ऐसी केमिकल है ना कि एक बार में आदमी खत्म हो जाता है। तो अभी आए हम भानेवाला में, और हमारे साथ जो भाभी लोग आए थे ना, तो उनको छोड़ने आए उनके घर पे। अभी अंदर अंदर चलते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। पीछे वो नहीं हो रहे, साफ नहीं हो पा रहे कभी। पायलट साहब, तो चलो चलते हैं यहाँ से। फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में, और गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार कर दी है। अब देखते हैं कि यहाँ से मनसा देवी के लिए कहाँ से जाते हैं, क्या कैसे जाते हैं। बाकी हम लोगों को तो यहाँ का पता नहीं है, देखते हैं फिर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ट्रॉली लगी हुई है। एक ट्रॉली का यहाँ पे ना 130 रुपये है, और हम लेने के लिए ले लेंगे, पर ये बोल रहे कि 2 घंटे बाद जो है नंबर पड़ेगा आप लोगों का। भीड़ ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमने कहा जब तक हमारी बारी आएगी ना, तब तक तो हम दर्शन करके भी नीचे आ जाएंगे, इसीलिए जो है अब यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे ऊपर। तो चलो चलते हैं। हाँ, जो है हमारे पीछे देख सकते हो यहाँ पे मनसा देवी का गेट है, और गेट से जो है हमने एंटर कर लिया है, और लगभग यहाँ से 500 मीटर ही होगा पैदल, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी मजा भी आ रहा ना। वेल डन। वैसे ना यहाँ आने के लिए स्कूटी और जो बाइक होती ना उससे भी आ सकते हो आप लोग, और वैसे हम भी आ सकते थे, पर हम लोगों ने मना किया, क्योंकि यात्रा का मजा ना पैदल में ही आता है ना। जब तक पैदल नहीं की यात्रा, तब तक यात्रा जो है सफल नहीं मानी जाती है। देख सकते हो आप, ये देर सनसेट हो चुका है, और यहाँ से जो है हरिद्वार का पूरा नज़ारा देखिए आप, और उस साइड देख सकते हो पूरी की पूरी धुंध लगी हुई है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा है ना, इस वजह से ये धुंध लगी हुई है।
निकाल लेना प्रसाद चढ़ाने से पहले, एक पेड़ आएगा उसको पूरे से धागा बंधा होगा, जो मन में 100 डेढ़ गांठ लगाना है पूरी और एक आदमी गाड़ी वाली वैसे जैसे रक्षा मतलब प्लेट वापस होगी हमारे लिए, हमारे लिए कुछ नहीं बताओ जो हमारे मिले तुम्हें सीक्रेट बाद में बताएंगे हमारे जाने के बाद। आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है, तो देखिए मंदिर से अच्छे दर्शन करके हम आ चुके हैं बाहर, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैमरा अलाउड होता नहीं है तो वीडियो बना नहीं पाया, और शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोगों को यहाँ से भी निकलना है चंबा के लिए, तो देखते हैं ये लोग एक बार फ्री हो जाए उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। सतीश भाई के साथ ना मैं हर मंदिर जो है पहली बार गया हूँ, केदारनाथ में पहली बार गया था और मनसा देवी भी मैं पहली बार आया हूँ, और इससे पहले चंडी देवी गए थे। खैर मजा बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, भाई जी की शॉप लगी है जो मनसा देवी का गेट है, तो वहाँ पे हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी, चूड़ी से लेकर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज। बाहर देख सकते हो कि अंधेरा कितना हो गया है और 6 भी बज चुके हैं, 6:30 बजे तक शायद हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे, उसके बाद रात का सफ़र है, फिर देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ से आप रात को देखिए ना हरिद्वार के सुंदर से प्यारे से खूबसूरत से कुछ नज़ारे, कितना प्यारा लग रहा है ना, और जो ऊपर दिख रहा है ना आपको ये है माँ चंडी का मंदिर। यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग चल रही है और डिसाइड किया जा रहा है कि क्या लें क्या ना लें, बाकी भैया पे बात है। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? वाइट ले लो वाइट, ये तुम एक को भर को दे दो और दो फ्री ले जाओ। दोस्तों टाइम हो चुका है 7:30 और अब जाके जो है हम गाड़ी के पास पहुँचे। भाई ये खोल दो, चले गाइस, चलो गाइस, चलो गाइस, अपन जा रहे हैं अब घर को, घर को भाई, बहुत हो गया ये घूमना फिरना, सुबह से भूखे पेट घूम रहे हैं आज। चाय पिला रहे हैं खाली उस। हम लोग आए हैं स्नान घाट पे और भैया भाभी लोगों ने ना शिवलिंग लिया है, शिवलिंग को गंगा जल से नहलाएंगे। जल अभिषेक कर रहे हैं गंगा जी, हर हर गंगे, हर हर गंगे, शिवलिंग को नहला रहे हैं रात को। यहाँ से ना रात के कुछ नज़ारे देखिए भाई, क्या लग रहा है यार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। बाकी इस पवित्र सी जगह को करते हैं बाय बाय, और शाम के भी 7 बज चुके हैं और यहाँ से अभी चंबा के लिए जाना है, तो चंबा हरिद्वार से कम 75-80 किलोमीटर है, तो 3 घंटे तो लगा ही लो, 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक तो हम चंबा पहुँच जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है।